Assalamualaikum, welcome to Easy Cooking. आज हम बनाएंगे आलू पूरी। तो ये मैंने आटा लिया है, ये हमारा गेहूं का आटा है, ये मैंने 3 कप लिया है। और ये मैंने आलू लिए हैं, 3 आलू हैं बड़े साइज के, आप देख सकते हो। मैंने इनको उबाल लिया है और छील लिया है, तो मैं इसको तोड़ के इसमें डाल देती हूँ ताकि ये हमारे आटे के साथ गूंधेंगे तो बिल्कुल मुलायम हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है ये आलू तोड़ के। और यहीं पे मैंने ये कुछ मसाले लिए हैं, ये मैंने लिया है अजवाइन 1/2 टीस्पून है, और ये मैंने हरा धनिया लिया है थोड़ा सा बारीक कट कर लिया है, ये भी डाल दिया है। और ये मैंने इसके कुछ मसाले लिए हैं, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना पिसा जीरा, 1/2 टीस्पून से ज़्यादा है नमक, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिए आप। और ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है चाट मसाला, 1/2 टीस्पून मैंने लिया है ये अमचूर पाउडर, ये सब भी हम इसमें डाल देंगे। और अब हम इसे गूंधेंगे। और ये मैंने इसके गूंधने के लिए पानी लिया है, थोड़ा सा गुनगुना पानी है ये, हल्का गर्म। तो हम इसको अच्छे से मिला लेंगे ऐसे करके, बहुत ही अच्छे से पहले हम इसको मिलाएंगे। तो ये देखिए मैंने इन सबको अच्छे से मिला लिया है, सारे मसाले मिला लिए हैं, आलू मिला लिए हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको गूंद के तैयार करेंगे। हम इसका आटा बिल्कुल वैसे ही गूंदेंगे जैसा कि हम अपनी रोटी पराठे के लिए गूंदते हैं। बस थोड़ा सा टाइट रखना है हमें इसका आटा, ज़्यादा पतला नहीं करना है और ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है, बस मीडियम गूंदना है हमें से। तो ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको गूंद के करते हैं। तो लीजिए मैंने आटा गूंद के तैयार कर लिया है, ये देखिए इसको रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं। मैंने गैस पे रख दिया है ऑयल गर्म होने के लिए, और ये मैंने सूखा आटा ले लिया है। तो चलिए हम पूरियाँ बेलना शुरू करते हैं। इसमें से हम छोटे छोटे पेड़े निकालेंगे, जैसे कि हम पूरी बनाते हैं छोटे छोटे पेड़े निकालेंगे, ये देखिए इस साइज़ के पेड़े निकालेंगे हम छोटे छोटे ऐसे करके। फिर हम इसको सूखे आटे में लपेटेंगे ऐसे करके, ये देखिए। अब हम इसको ऐसे चकले पे रखेंगे और हम इसे बेलना शुरू करेंगे, ये देखिए ऐसे करके बेलेंगे हम इसको ऐसे। फिर से हम इसको सूखे आटे में लपेट लेंगे अगर ये चिपकने लगे, और फिर से हम इसको ऐसे करके बेलेंगे, ये देखिए बहुत ही जल्दी से बेल जाती है, बहुत ही बढ़िया बनती है, ये देखिए। तो ये देखिए हमारी एक पूरी तैयार हो गई है, ये देखिए। हम इसी तरह 6 से 7 पूरियाँ बेल लेते हैं, फिर हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे, तब तक हमारा ऑयल भी गर्म हो जाएगा। तो इसी तरह हम सारी पूरी बेल के तैयार करेंगे। तो ये देखिए मैंने पूरी बेल के तैयार कर ली है, मैंने 6 से 7 पूरी बेल ली है। 6-7 पूरी बेलने के बाद अब हम इसको फ्राई करते हैं, चलिए फ्राई करते हैं। तो ये मैंने गैस पे ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए, और ये हमारा मीडियम हाई गर्म हो गया है। गैस का फ्लेम मैंने अब मीडियम कर दिया है, पहले मैंने हाई फ्लेम रखा हुआ था, अब मीडियम कर दिया है। तो हम इसमें एक एक पूरी ऐसे उठाएंगे और डालते जाएंगे, बहुत ही केयरफुल रहना है यहाँ आपको, क्योंकि हमारा ऑयल गर्म है। तो हम इसको ऐसे कर देंगे, हल्के हल्के हाथ से दबा देंगे ऐसे करके, ये देखिए हमारी पूरी, ये देखिए। हम इसको दूसरी साइड पलट लेंगे ऐसे करके, देखिए देखिए। हो गई है, हम इसको ऐसे करेंगे, छलनी को यहाँ पे थोड़ा सा तिरछा करेंगे और इसको हम बाहर निकाल लेंगे, ये देखिए। और इसी तरह हम दूसरी वाली पूरी डाल देंगे। इसी तरह हम एक पूरी लेंगे और यहाँ पे बिल्कुल आराम से डालेंगे, और इसको भी हम ऐसे करेंगे, हल्का हल्का दबाते रहेंगे ऐसे करके ताकि हमारे अच्छे से फूल जाए, ये देखिए फूल गई है। इसको भी हम दूसरी साइड पलट लेते हैं, ये देखिए, ये देखिए कितनी खूबसूरत हो गई है, तो इसी तरह मैं एक और पूरी फ्राई करना बता देती हूँ आपको। ऐसे डालना है
और इसको हल्के हल्के हाथ से ऐसे दबाते रहना है। तो ये देखिए मैंने इसको दोनों साइड से अच्छे से सेक लिया है। ये हमारी पूरी तैयार हो गई है। इसको भी हम ऐसे ही निकाल लेते हैं और इसी तरह हम सारी पूरी बना के तैयार करेंगे। लीजिए बहुत ही टेस्टी मज़ेदार क्रिस्पी करारी हमारी आलू पूरी बन के तैयार हो गई है। बहुत ही बढ़िया बनी है और ये मेरी बेटी ने बनाई है छोटी सी। ये देखिए कितनी खूबसूरत बना दी है। तो बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।